गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड आई एम जतिंदर कौर, योर इंग्लिश लेक्चरर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ने वो अमेरिका के एक बहुत ही फेमस पोएट ने. उन्होंने ये पोएम 1915 अपने एक दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी सी. सो इट इज़ अ नरेटिव पोएम. नरेटिव पोएम का मतलब होंगे है जो किसी भी पोएम दे विच कोई स्टोरी दसी जाती है. ठीक है, टाइटल इज़ द रोड नॉट टेकन, विच मीनस वो रस्ता जिहड़ा कि नहीं चुनिया गया. सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द चॉइसिस दैट यू मेक इन योर लाइफ. द चॉइसिस दैट यू मेक इन योर प्रेजेंट लाइफ ऑलवेज डिसाइड योर फ्यूचर. जो चॉइसिस या जो रस्ते तुसी अज चुन लेने उही तुहाडा फ्यूचर डिसाइड करनगे. अज जे तुसी गलत राह चुन लिया तो वो चीज़ थोड़ी पूरी लाइफ नू डिस्ट्रॉय कर सकती है. ये सारी पोएम इसे दे अकॉर्डिंग है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. पोएट है जड़ा वो एक एहो जी जगह पर खड़ा होया, एक डाइवर्जन पर खड़ा होया है जिथों दो रस्ते स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, इको जे दोनों रस्ते ने, वो एक फॉरैसट च है. येलो वुड इसलिए क्या गया है, उस फॉरैसट न क्या गया है क्योंकि उत्थे यह ऑटम सीजन रिप्रजेंट कर रहा है, मतलब कि पत्ते जड़े ने वो पीले पै चुके ने. ठीक है, सो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. कहता कि मेरे सामने चाहे दो रस्ते ने लेकिन मैं उन्होंने दोनों रस्तिया नहीं जा सकता इको टाइम. ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर लोंग आई स्टूड, क्योंकि मैं इको ही ट्रैवलर हाँ, मैं दो तो है नहीं जो दोनों रस्तिया तो चले जा. सो मैं एक रस्ता ही चुनना पेगा इन्होंने दोनों चो. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. कहता पोइट कहता कि मैं खड़ा होकर काफ़ी टाइम ले उन्ना डूंगाई नाल दोनों रस्तिया देखिया जिन्ना के मैं देख सकता सी. अंडरग्रोथ मतलब उतों तक नज़र मारी जिथे पूरी डेंसिटी होवे पत्तिया की झाड़िया की, जिथे पूरी मतलब खत्म हो रही है एक नज़र, उतों तक उन्हें नज़र मारी कि मैंने इन्ह दोनों रस्तिया चो कि रस्ता जोड़ा है वो चूज करना चाहिए. ठीक है, नैक्सट स्टैंजा च कहता है कि दैन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. कहता फिर उन्हें सोच सोच के जड़ा दूसरा रस्ता सी वो चुन लिया एज जस्ट एज फेयर, मतलब उन्होंने ये रस्ता पहले नालों थोड़ा फेयर लग्या, सही लग्या. एंड हैविंग परहैप्स अ बैटर क्लेम, और शायद ये उसका एक बैटर क्लेम हो सकता है, एक बैटर डिसीजन हो सकता है कि वह रस्ता जड़ा उन्हें चुनिया. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टड वेयर, क्योंकि वह ग्रासी सी ते वांटेड वेयर, मतलब कि उत्थे घा इदा उग्या होया सी जिदा उत्थे कोई चलिया नहीं सी. ठीक है, वो लैस ट्रैवल्ड रस्ता सी ते वांटेड वेयर मतलब कि वो रस्ता चाहुंदा सी कि उत्थों कोई चले. ठीक है, एक सिंबॉलिक जी चीज़ उन्होंने यूज़ की है वांटेड वेयर. दो एज फॉर दैट द पासिंग ईयर पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, बट जिमें जिमें उस रस्ते तो लंघिया उन्होंने लग्या कि जोड़ा दूसरा रस्ता से वो भी ऑलमोस्ट सेम सेम ही सी, दोनों रस्ते सेम ही सी. कहना मतलब यह है कि हर बंदा वो रस्ता चुनना चाहता है जिथे बहुत घट लोग तुरे हो. ठीक है, जिथे भीड़ भाड़ घट हो ताकि उन्होंने उस चीज़ का बेनीफिट मिल सके. ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन बैक. कहता भावें कि उन्होंने लग्या कि उन्हें वधिया रस्ता चुनिया है, बट मॉर्निंग दे विच दोनों रस्ते इक्को जिहे लगते हैं. इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन बैक, लगता है कि दोनों रस्तिया तो उन्होंने पत्तिया तो इदा लगता है कि बहुत घट लोग जड़े ने उत्थे चले ने, मतलब कि दोनों रस्ते जड़े ने इक्वल इक्वल ही ने. ठीक है, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटड इफ आई शुड एवर कम बैक. कहता कि ठीक है मैं ये रस्ता चुन लिया, चलो दूसरा रस्ता है जड़ा मैं वो किसी होर दिन दे लिए रख लेना, बट नाल दी नाल वो ये भी सोचता है कि भावें कि मैनू पता है कि जड़ा रस्ता मैं एक बारी लै चुका हाँ ये मैनू अगे होर रावां ते लै जाएगा ते मैं उस रस्ते ते दोबारा कदे भी नहीं आ सकांगा. ठीक है, कहने का भाव यह है कि जदों भी असी एक रस्ते नू चुन लैने तो कि असी वापस मुड़ के उस रस्ते नू मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं. इफ यू टेक वन डिसीजन यू कैनॉट गो बैक एंड यू कैनॉट मॉडिफाई और चेंज इट एट दैट मूमेंट. सो अगे चल के कहता आई शैल बी टैलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लैस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसिस. इतने पोइट कह रहा है कि
ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਏਜਸ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰੈਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈੱਸ ਟਰੈਵਲਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਰਿਗਰੈਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਟੂਡੇ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਟੁੱਕ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟਰੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ